तीन छोटी ट्यूमर थी चली गई, एक बड़ी ट्यूमर थी 60% चली गई। आप समझ सकते हो न्यू डाइट सिस्टम क्या मैजिक जादू करता है। आज हमारे साथ है तेजल शाह। एज क्या है जी आपकी? एज 46। बहन जी आपको क्या तकलीफ हुई थी बताओ? वो बेबान हो गई थी, वो पूरी अनकॉन्शियस हो गई थी। कितना? 1.5-2 साल हो गए लगभग वो बात। और फिर मैंने एमआरआई करवाई तो उसमें 3 कांटे थी, 3 छोटी वाली ट्यूमर थी और एक बड़ी बड़ी वाली थी। और आपको पहले प्रॉब्लम हुआ था ये? ग्यारह साल पहले मैंने वो ट्यूमर थी उसका सर्जरी करवाया था। 2011 में हमने ऑपरेशन करवाया था और इसके बाद थोड़ा अच्छा होने लगा था। वो सक्सेसफुल ऑपरेशन था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ट्यूमर चली गई। 2019 में फिर से ट्यूमर हुआ और तब हमने बताया डॉक्टर ने बोला कि आपको एमआरआई करवाने के बाद 20 डेज तक आप डिसीजन ले लो, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर को जब बताया गया नेक्स्ट टाइम हुआ, हम वही बताते हैं सबको कि कैंसर है, ट्यूमर है, वो क्योर नहीं होता है, उसको आप डिले कर सकते हो। आपको 5-7 साल फिर बाद आप देखते हो, कैंसर पेशेंट भी 2-3 साल बाद फिर से होता है। तो सेम तेजल को हुआ था और तेजल को इस बार डॉक्टर ने क्लियरली बता दिया था कि आप 20 दिन जीने वाली है, बरोबर? मुझे मालूम है वो दिन ये यहाँ आया था और यही जगह पे बैठा था, आई रिमेम्बर दैट, क्योंकि हमारे पास तो लाखों लोग आते हैं डायबिटीज ब्लड प्रेशर, लेकिन ऐसे केस होते हैं तो हमको जरा थोड़ा ज्यादा रस लेते हैं। ये आए थे और उसने मुझे बताया था, ही वॉज टोटली डिप्रेस, मुझे मालूम था, क्योंकि आपको घर में बताया जाए कि भाई कोई आदमी आपका 20 दिन जीने वाला है तो आप क्या समझ सकते हो। आज कितना दिन हुआ? 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल हो गया और तेजल जिंदा है। भाई ताली बजाओ यार। ऊपर वाले को जो बोलते हैं, सेज फाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम, और उसने जो डेडिकेशन से किया है हमारे लिए भी वो मिसाल है। सेज द इंस्पिरेशन फॉर अस, हम लोगों को बहुत गाइड करते हैं, लेकिन ऐसा पेशेंट मिलना, उसमें एक बात अच्छी लगी कि हमने जो रेफरेंस मिला कि भाई अमृतसर के पास जाओ, राइट? तो सर थोड़ा घबरा हो रही थी कि कितने पैसे देंगे, क्या करेंगे, बट जब देखा कि है कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल की इतनी अच्छी काम कर रहे हैं, वो लोग भी फ्री में कर रहे हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंस है, और फ्री में के बाद भी जो अटेंशन देते हैं ना वो सबसे अमेजिंग है। इट इज द फाइन फॉर अस, एंड दैट्स व्हाई हम बार बार यहाँ पे आने की इच्छा होती थी, बार बार गाइडेंस लेके आए थे, कभी भी नहीं गुस्सा हुए कि नहीं कोई ऐसे आंसर दिए कि कल आना परसों आना, कभी भी ऐसा नहीं। मैं जब थोड़ी भी वो हो जाती है तो ये मुझे क्योंकि स्पेशल केस है, ये लोग मेरे पे भरोसे पे है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, और ऐसा नहीं है कि मैं फ्री कर रहे हूँ तो मेरा चॉइस है, मैंने नक्की किया है। और ये एक बताओ, वो बताओ, वो मेरा इम्पोर्टेंट वो है, फॉलो अप विजिट मैं करवाता हूँ, मुझे अच्छा बोल के भाग नहीं जाना है, अपने अपने देश में तो बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, मुझे आपको रिजल्ट देना है, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस फॉलो अप, कि हर 10-12 दिन में मुझे मिलो। लोग आते नहीं है, फॉलो अप का भी कोई पैसा नहीं है मैंने आपसे, आज देखो तेजल की तो बात ही नहीं है, तेजल कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेरे ख्याल से हर महीने 2 बार आई है, 2 साल में ऑलमोस्ट 24 टाइम्स, और दूसरे बीच में 1-2 बार इमरजेंसी जैसा था तो सीखे। पैसे की तो कोई बात नहीं, पैसे का सवाल ही नहीं है, हमें सेवा का मौका दो, हमारा टारगेट अलग है, हमें क्योर करना है डायबिटीज ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल वो सब तो भूल जाओ, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूमर कैंसर 4th स्टेज का। मेरे 2-4 वीडियो देखो आप, आपके आसपास में जो भी लोग है जो परेशान है उसको ये वीडियो खास भेजो, बताओ उसको, किसी को समझाओ मत, मेरा नंबर दे दो 9879926220, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, फोन मत करना क्योंकि बहुत लोग होते हैं तो मैं फोन उठा नहीं सकता हूँ। तेजल आपकी ये 2 साल की जर्नी कैसी रही वैसे? जब मैं आती हूँ वो मुझे ओवरऑल हेल्थ के में आपको 2 साल में कभी भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा है? नहीं, बिल्कुल। आज सोचो पहले जब भी डेली पढ़ो ना तो आप वो आ जाती थी वो, और उसको मैं यहाँ ऐसा नहीं है, हमने फ्रीक्वेंटली एमआरआई भी करवाया, ऐसे भी ऐसी बात नहीं है, फ्रीक्वेंटली सर ने बोला था एमआरआई करवाओ, जब जब उन्होंने बोला था हमने एमआरआई करवाया। वो ऐसा है कि ये मुझे अपने, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मौका दिया, एंड दिस इज
मैंने काफी अच्छे काम किए उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन ऐसा अच्छा काम, वन ऑफ बेस्ट काम, मुझे भी प्राउड होता है। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया।